मन साचा मुख साचा सोए, मन साचा मुख साचा सोए। मन साचा मुख साचा सोए, मन साचा मुख साचा सोए। अवर ना पेख है एक सुबिन कोए, अवर ना पेख बिन कोए, मन साचा साचा सोए, मन साचा मुख साचा सोए। अवर ना पेख एकस बिन कोए, 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 मन साचा मुख साचा सोए, मन साचा मुख साचा सोए। अवर ना पेख एकस बिन कोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, मन साचा मुख साचा सोए, मन साचा मुख साचा सोए। अवर ना पेख एकस बिन कोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए, मन साचा मुख साचा सोए, मन साचा मुख साचा सोए, मन साचा मुख मन साचा मन साचा मुख साचा सोए।
नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। प्यारी सात संगत जी, असी सारे रल के जो शब्द गायन कर रहे सी, सुखमनी साहब दियां जिहड़ियां 24 अष्टपदियां ने गुरु ग्रंथ साहिब विच गौड़ी राग विच, जिसका सिरलेख असी पहला पढ़िया गौड़ी सुखमनी महला पंजवां, उहदे चों 8वीं अष्टपदी दे 8वें पदे नूं असी पढ़िया अते नाल उसका श्लोक गायन किया। पहला तो सानू सारी बाणी की बणतर थोड़ी जी समझनी पड़ेगी। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी महला पंजवा, इस बाणी विच ए गुरु ग्रंथ साहिब दे 272 ते अंकित है। इस बाणी विच असी देखते हाँ, क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन विच बहुत सारे सज्जन इस नूं पढ़ते हैं, बड़ियां नूं याद भी है। इस बाणी विच 24 ते अष्टपदियां आते, हर अष्टपदी दे उपर एक एक श्लोक है। इहदा मतलब 24 श्लोक हन ते 24 अष्टपदियां ने। अष्टपदी का मतलब होंदा 8 पदे, भाव हर अष्टपदी विच 8 पदे ने। 24 अष्टपदियां दी हर अष्टपदी दे विच 8 पदे ने। ते सुखमनी साहिब की बाणी पढ़न वेले एक बड़ी विस्मादत गल सामने आती है, ये इतनी वड्डी बाणी है, 24 श्लोक भी हैं, 8 पदे दियां 24 अष्टपदियां भी हैं। तो इस बाणी दे विच सानू शुरू विच एक रहाउ लिखिया मिलता है, जो कि इस बाणी का सेंट्रल आइडिया है। उस रहाउ नूं समझ लईए अते फिर बाणी दी बणतर दे एक होर इस अहमियत वाले नुक्ते वल ध्यान दईए। अहम नुक्ते वल ओ ए है कि बाणी दी बणतर विच असी देखदे हां रहाउ दे इर्द गिर्द ओ वाला शब्द हुंदा जिस शब्द विच रहाउ लिखिया होवे। ए इतनी वड्डी बाणी है, पर इस दे रहाउ दे इर्द गिर्द गल नूं समझांगे। दूजी गल, जिस अष्टपदी विच रहाउ लिखिया गया उस अष्टपदी दे स्टार्ट दे उपर एक श्लोक लिखा है, आद गुरु नमे जुगाद गुरु नमे सतगुरु नमे श्री गुरु देवे नमे। हुण गल शुरू होई गुरु दी, सुखमनी साहब शुरू होया और गुरु दी गल शुरू होई। एक होर सुखमनी साहब नूं पढ़दिआं सामने नुक्ता सामने आता है, सुखमनी साहिब दे विच हर अष्टपदी दे उपर जिहड़ा श्लोक लिखे है उस श्लोक दे विच पूरी उस अष्टपदी नूं खोल के अष्टपदी दे विच डिटेल समझाई है, अते श्लोक विच उस अष्टपदी दा सार है। सारे सुखमनी साहिब दा सार रहाउ च है, ते हर अष्टपदी दे विच जो गुरु साहिब कहना चाहते ने सार दे तौर ते रहाउ दी शक्ल विच उस अष्टपदी दे उत्ते सिरलेख दे तौर ते टॉपिक नूं समझाउण वास्ते उहदी जिस्ट उहदा सेंट्रल आइडिया उहदे श्लोक विच है। इस तों इलावा जेकर सुखमनी साहिब नूं होर गहराई दे नाल बारीकी दे नाल पढ़न दा जतन करिए, सहजे सहजे पढ़िए, तां एक तत्त होर सामने आता है कि पहले 5-6 पदियां दे विच गुरु साहिब एक गल नूं खोलदे जा रहे ने, पर 7वें पदे च जाके उसका थोड़ा क्ल्यू होर मिलना शुरू हो जाता, उसनू होर खोल देंदे ने, जिवें कि डेस्टिनेशन दे नेड़े पहुँचते जाओ तो मील पत्थर तो लैंडमार्क तो पता लगता जाता मैं किहड़ी डायरेक्शन विच जा रहा और मैं ठीक जा रहा। तो 8वें पदे विच हर अष्टपदी दे 8वें पदे विच गुरु साहब सारी गल नू खोल के अपनी मत उत्थे रख के समझाते ने कि किसे लफज दे नाल भुलेखा ना खा जाना। मेरा 8वें पदे विच जो कहण तो भाव है ये असलियत विच उस सारी अष्टपदी विच जिहड़ा लफज आया उसका पावर था। इसनू कहिंदे ने प्रोडावाद। हुण जदों असी इस बाणी नूं खोल के समझांगे
ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਡਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 6 ਪਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਠਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ। ਅੱਠਵੇਂ ਪਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਪਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਸਦ ਜੀਵ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਅਜੂਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਨ, ਅਜੂਨੀ ਹਨ, ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਦ ਜੀਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਠ ਪਦੇ ਨੇ। ਅੱਠਾਂ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਈਚ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠਵੇਂ ਪਦੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਗੋਡ ਖੁਦਾ ਰੱਬ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀਵ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਕਾ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ? ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਮਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
सतगुर गुरबाणी अनुसार शरीर नहीं आता, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। सतगुर शरीर नहीं आता। जेकर असी यह गल समझ लीए तो सानू पता होना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के सानू यह सिखाया गया कि यह मनुख जे सतगुर के नाल शरीरक तौर पर जुड़ जाएगा भुलेखे च पै जाएगा, शरीरक तौर पर जुड़ जाएगा उसका शरीर दुनियावी हुक्म नियम सिस्टम के मुताबिक कुदरत के नियमों च खत्म भी हो जाएगा, तू नवा सतगुर लभदा रह जाएगा। इस करके सदीवी जिहड़ा रब जी का सच का ज्ञान है उसनू सतगुर बना लै, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, वो जड़ी पवन गुरु तैनू मिली है जिदे नाल तू जींदा है, तेरा आत्मा जिंदा रहिंदा है। यह दुनियावी एक फिलोसफी अलग है कि साडा शरीर तां जिंदा रहिंदा है जे इहनू ऑक्सीजन मिलती है, पर साडा आत्मक शरीर जिसनू असी कहिंदे आ दुर्लभ दे भई प्राप्त मानुख दियोरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, वो जिहड़ा साडा शरीर बनता है ना एक सूक्ष्म देह जिहड़ी बनती है जिहड़ी सतगुर के घर जन्म लैके बनती है, उस शरीर की गल चल रही है, वो तैनू मुक्त कराने वाला सच का ज्ञान रब जी सतगुर राही देंदे ने। हुण असी इत्थे आके इतनी गल समझी कि रब जी ब्रह्म ज्ञानी हन अते रब जी का सतगुर, रब जी का ज्ञान, रब जी का सच्चा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मुकत जुगत जी का दाता है। इहदा मतलब रब अते रब जी का ज्ञान गुर ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता रब जी होंदे ने पूरन पुरख, ते रब जी का ज्ञान परफेक्ट होंदा है, पुलन अंदर सब को अपुल गुरु करतार। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपर हाथ। असी सोचते सी किसी मनुख का, किसी मनुख का सब उपर हाथ नहीं हो सकता, वो मनुख जिथे बैठा है उसकी ज्यादा तो ज्यादा लंबाई होएगी 2 फुट या 3 फुट दे हाथों लंबे कर सकता है, पर इस तो ज्यादा सारे उपर हाथ नहीं रख सकता, पर ब्रह्म ज्ञानी का सब उपर हाथ। रब जी का ज्ञान सारी सृष्टि से सारे मनुखों वास्ते अवेलेबल है, सब उपर हाथ, हर मनुख नू समझाते हैं तू किस तरह जी। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ये सारी सृष्टि ब्रह्म ज्ञानी रब जी की बनाई हुई है, रब जी सारी सृष्टि विच पसरे हुए ने, सारा आकार रब जी का है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, रब जी तुसी आप ही ब्रह्म ज्ञानी हो, निरंकार हो, आकार रहत हो, रूप ना रेख ना रंग किच, त्रै गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस हो गया सुप्रसन्न, तुसी निराकार हो। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, रब जी दे ज्ञान दे नाल रब जी नू समझिया जांदा है, भाव सतगुर ही ब्रह्म ज्ञानी रब जी दी शोभा नू समझदा है। सतगुर कोलो ज्ञान लै लै ते सतगुर कोलो ज्ञान लैके रब जी दी वडियाइयां दी विचार करिया कर, पर रब जी कैसे ने सिर्फ सतगुर जानदा है, तू की सलाह सकदा है, विण डिठा क्या सलाहीए, तैनू सलाउणा नहीं आएगा। सतगुर दी ऐनक लै लै, सतगुर दी मत लै लै, सतगुर दी सोझी समझ लै लै, तां रब दी वडियाइयां दी विचार करिया कर। कहिंदे ने ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, ब्रह्म दे ज्ञान दे नाल ब्रह्म ज्ञानी रब जी की शोभा की जा सकती है, वो सतगुर है। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, सारी सृष्टि का जेड़ा मालक है वो सर्व का धनी है। हुण सानू एक मील पत्थर मिल गया जिथों असी डायरेक्शन लैके इस फ्लाइट नू पकड़ सकते हैं कि असी ब्रह्म ज्ञानी किसी मनुख नू समझ रहे सां, ते हुण पहली गल पता लगी, सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ। सुखमनी साहब, सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ, जो सतगुर जो रब जी नू जानदा सत पुरख रब जी ने, रब जी नू केवल सतगुर जानदा, जो जानदा उहदा नां की है सतगुर। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाउ, हुण असी सारी सृष्टि के जितने मनुख हाँ
जेकर असी मनुख सारे सतगुर जी का सच्चा ज्ञान ले लीए, सतगुर का सच्चा ज्ञान लाण वाला मनुख नू गुरबाणी विच सिख कहिंदे ने, तिसकै संग सिख उदरै। ए सिख, ए मनुख, ए दुनिया दे कोई भी इंसान जे तू अपना उधार करना चाहता है, जींदे जी मुक्त अवस्था प्राप्त करना चाहता है, तो पता की कर, सतगुर दी बाणी दा संग कर। सतगुर दे संग करन दा मतलब है गुर क्या सकार कमावो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। तो सतगुर दी मत नू लै लै, सतगुर दा संग कहलांदा है। सतगुर का संघ शरीरक तू किसी जगह नेड़े जाके किसी तीर्थ से बह जाए उन्होंने नहीं कहते ने, सतगुर का संघ सुरत करती है, सुरत धुन चेला है ना शब्द गुरु दी। सतगुर का संघ करना है तो सत्संगत सतगुर सब तो उत्तम है। तू जे संगत करनी है तो सतगुर के ज्ञान की संगत कर, सुरत करके कर, मन करके कर, चित बुद्ध करके कर। हुण असी जदों ये समझे कि इस शब्द दे विच इस अष्टपदी दे उपर श्लोक लिखिया है, उस श्लोक नू असी पहला हुण समझ लिए। श्लोक लिखिया है, मन साचा मुख साचा सोए, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख है एकस बिन कोय। रब जी दे नाल सतगुरु जी जुड़े हुए ने, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो, हर करता आप मुंह कढाए। इस करके सतगुर का मुख सच्चा है, मन सच्चा है, ते जो इंसान सतगुर की बाणी जो भी सिख सुन के समझदा है ओदा भी मन ते मुख पवित्र होना शुरू हो जाता है। नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना, कहते मन साचा मुख साचा होए, अवरना पेख है एकस बिन कोए। रब जी तो इलावा किसी होर वाल टेक नहीं रखता, सतगुर समझा देंदा। क्यों? क्योंकि सतगुर किसी होर दी टेक तो नहीं रखता, सतगुर रब जी का ज्ञान है ना, गुरप्रसाद है, इस करके उन्हों किसी की टेक नहीं लैनी है। तो मनुख नू भी यह समझा दिता जाता है कि मनुख तू मानुख की टेक बिरथी सब जान करना है, अते दुनियावी किसी चीज़ उत्ते तू टेक नहीं रखनी, भावें तीरथ होवे, भावें कोई मनुख होवे, भावें कोई शाह होवे, ते भावें कोई जगह होवे, भावें कोई धन पदार्थ हो। कहने नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। असी अठवें पदे नू पढ़िया सी, अठवें पदे नू पढ़ के पता लगा सी कि ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म ज्ञानी कहिंदे ने रब जी नू, ते रब जी दे ज्ञान नू ब्रह्म दा ज्ञान कहिंदे ने। हुण गुरमत विच ब्रह्म दा ज्ञान की है? काश असी इस गल नू थोड़ा जिहा इस दित्ते हुए समय अंदर समझण दा जतन कर सकीए। जेकर असी एक कहिए कि जो मनुख ब्रह्म दा ज्ञान लैंदा है उहदे जीवन विच साइंस लक्षण किहड़े चिन्ह हो जांदे ने जो सतगुर दे हन? सतगुर वर्गा वैसा उस सिख दा जीवन हो जांदा है। नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, भाव ब्रह्म दा ज्ञान लैण नाल मनुख दा जीवन इंज चेंज हो जाता है। ब्रह्म दे ज्ञान दे नाल किसे मनुख नू जे असी ब्रह्म ज्ञानी कहण लगे ना तो फिर भुलेखा पै जाएगा। क्यों? क्योंकि वह अजूनी नहीं है, वह कर्ता पुरख नहीं है, वह सृष्टि का कर्ता नहीं है। कोई भी मनुख ब्रह्म दा ज्ञान लैके मन साचा मुख साचा ते कर सकता है, पर ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर गुरबाणी मुताबक। हुण असी इस गल नू अष्टपदी नू सारा समझण वास्ते पूरी अष्टपदी नू समझांगे, पर पहला इस बरीकी नू समझिए। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, पहला उत्ते श्लोक आ गया, आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे। कहिंदे ने सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, सुख अमृत प्रभ नाम, रब जी का ज्ञान, रब जी का गुर जिहड़ा आद गुरे नमे जुगाद गुरे ने समझाया, वह सुखी कर देंदा मनुख नू, अमृतमई उन्हों जीवन बख्श देंदा,
पर हुंदा की है जो मनुख इस नूं लैंदा भगत जिन्ना कै धरती का कोई भी मनुख लै सकदा इस नूं जो मनुख इस नूं लैंदा गुरु पातशाह कहिंदे ने भगत जिन्ना कै मन विश्राम वो मनुख टिक जांदा है सुखी हो जांदा है कोई भी मनुख रब जी दी बाणी नूं पढ़ के रब जी दे ब्रह्म दे ज्ञान नूं लैके सुखी हो सकता है पर कोई भी मनुख अपने आप नूं ब्रह्म ज्ञानी नहीं अखवा सकता क्यों क्योंकि जैसे गूंगे की मठियाई जे कोई किसी नूं कहे मैं बड़ा पहुंचिया होया तुसी मैनूं ब्रह्म ज्ञानी कहो यह भुलेखा है यह अपनी गद्दी चलाण दा ढंग है यह अपनी दुकान चलाण दा अपनी डेरेदारी चलाण दा ढंग है कोई कह नहीं सकता ये उस दे विच नम्रता आ जाती है। गुरु पातशाह कहंदे ने ये सारी सृष्टि विच रब जी वस रहे ने सारी सृष्टि नूं ब्रह्मांड कहंदे ने रब जी नूं ब्रह्म समझिया जांदा सी समझिया जांदा है रब जी ब्रह्म हन ते रब जी दी सृष्टि बनाई हुई ब्रह्मांड है ब्रह्मंड एदे विच सब जगह रब जी मौजूद ने आपे इस सृष्टि विच सब जगह रहंदे हैं वो रब जी नू जे तू देखना होवे तां किवें देखेगा गुरु पातशाह कहंदे ने एक तरीका है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे कौन खोजेगा किवें पता लगेगा साडा ते चारों पासे एनवायरमेंट तो मन ही मैला हो गया साड़ा ते बचपन तो मन पैदा होने सार ही पोल्यूटिड हो जाता है मन मैले नूं धोना पेगा तब ब्रह्मांड च रब जी नजर आने शुरू हो जाते हैं महसूस होने शुरू हो जाते हैं मन मैले नूं कौन धोंदा है बाहर पीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई मन तो वो शब्द लागो हरसिउ रहो चित लाए ना सतगुर तन्नू समझा देगा कि बाहर पीतर एको जानो जो तू ब्रह्मांड च रब देखना चाहता है ना वो तेरे हिरदे च वसदा